आंधी सी चल पड़ी है कि हम किसी भी हालत में खगड़िया की मान सम्मान की लड़ाई जो हमारा बेटा हमारे परिवार का हिस्सा संजय कुमार कर रहे हैं हम उनके साथ रहेंगे। मेरे ड्राइविंग सीट पे लालू जी आदरणीय नेता, मेरे ड्राइविंग सीट पर निवृत्तमान सांसद हमारे हैं, जब उप मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में रह करके 5 लाख के करीब उन्होंने युवाओं को नौकरी दी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं कि वो 56 इंच का हम सीना रखते हैं तो देश का बॉर्डर मेरा सुरक्षित है तो हम जो है सो 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। खगड़िया में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक तरफ जहां एनडीए समर्थित प्रत्याशी राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट संजय कुमार कुशवाहा को उतारा है और अभी हमारे साथ खुद यहां से प्रत्याशी संजय कुशवाहा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जनता के बीच में आप जा रहे, लगातार जनसंपर्क साध रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको प्राप्त हो रहा है जनता से? पहले धन्यवाद दर्श न्यूज बिहार झारखंड को और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम 25 खगड़िया लोकसभा के तमाम जनता मालिकों को भी मैं नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं। जनसंपर्क अभियान में जाने से पहले जहां तक आपने सवाल किया कि जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं बताऊँ कि जनता के बीच मैं पिछले 23 मार्च से जा रहा हूँ और 23 मार्च के बाद जैसे ही उसके एक सप्ताह के बाद एनडीए ने सामने वाले कैंडिडेट का डिक्लेयर किया उसी समय से खगड़िया लोकसभा की जनता के बीच एक अजीब तरह का मायूसी और एक अजीब तरह का गुस्सा और एक अजीब तरह का उफान, ये तीनों चीज़ का मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आया। और वो इसलिए आया कि पिछले 20 बरस से के बाद खगड़िया लोकसभा में खगड़िया के किसी बेटा को तो महागठबंधन के माध्यम से CPIM को खगड़िया सीट दिया गया और हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय नेता लालू जी, तेजस्वी जी, VIP पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी, CPIM, CPI माले, कांग्रेस के राहुल जी, ये तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, खगड़िया CPIM को मिलना चाहिए और संजय कुमार इस चुनाव अभियान के प्रतीक हो सकते हैं। और जैसे उनका आया तो फिर वो पैरासूट से आए और जैसे ही पैरासूट से आए और पैरासूट से लाए कौन, पैरासूट से लाए इसी खगड़िया का बेटा कहलाने का दम भरने वाले चिराग जी ने, तो फिर 20 बरस के बाद जो एक अवसर आया तो इस अवसर के सामने जनता में काफ़ी गुस्सा, नाराज़गी और जनुभार सामने आया कि नहीं, किसी भी हालत में हम इस अवसर का को गंवाएंगे नहीं, हम इस अवसर को अपने बेटा के साथ रहेंगे। और काफ़ी जनता के बीच में एक आंधी सी चल पड़ी है कि हम किसी भी हालत में खगड़िया की मान सम्मान की लड़ाई जो हमारा बेटा हमारे परिवार का हिस्सा संजय कुमार कर रहे हैं हम उनके साथ रहेंगे। जहाँ तक आप बात करें खगड़िया के बेटा होने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि चिराग जी ये भी कहते नजर आए हैं कि युवाओं को हम मौका दे रहे, पढ़ा लिखा युवा जनता के बीच में आ रहा और अगर सांसद बन के आता है वो तो वो जनता के मुद्दे उठाएगा, ऐसे में सर आप मुकाबला किस तरीके से देखते हैं जो आमने सामने का मुकाबला है? नहीं, आमने सामने का मुकाबला तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में है, पूरे देश में इस वक्त है और वो हमने इंडिया ब्लॉक जब हमारा बना तो हमने यही कोशिश की कि पूरे देश के अंदर जो है सो हम आमने सामने का फाइट दें और इसमें हम इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि 1 लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं हमारा पूरा यूनिफिकेशन हो पाया लेकिन अल्टीमेटली चुनाव मैदान में हम 1-1 गए, तो इसके लिए हम नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक खगड़िया का सवाल है तो खगड़िया में स्थिति यह है कि सामने के जो उम्मीदवार हैं उनके हलफनामा को शायद आप देखी होंगी, मुझे लगता है कि उनके हलफनामा में क्या, उनके हलफनामा में तो कहीं से झलकता नहीं है कि एक शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार है। 12 मुकदमे उन पर चल रहे हैं और 12 मुकदमे के भीतर एक संगीन मुकदमा है जिसको हम लोग कहते हैं ST Act, ये चल रहा है। अब चिराग जी अपने को कहते हैं हम दलित के नेता हैं और वो कैसे है? जिस आदमी पर ST Act का मुकदमा हो, जो आदमी गुंडा बैंक चलाने के चलते इस तरह का मुकदमा अपने ऊपर लेता हो, आखिर दलित के ऊपर उत्पीड़न करने वाले को कैसे टिकट दे दिए वो? ये स्थिति भी खगड़िया में है, दलित के अंदर भी भारी आक्रोश है और जो कोर वोट है उनका, हम तो ये कह रहे हैं उस कोर वोट में भी उस सवाल को लेके और घर के बेटा को सवाल को लेकर के उस कोर वोट में भी हमारा जो है सो काफ़ी समर्थक लोग पाए जा रहे हैं। इतनी बात
बातें कह रहे हैं राजेश वर्मा को लेकर, लेकिन एक नए प्रत्याशी जहां तक कहा जा रहा है युवा प्रत्याशी, तो मानते हैं कि वो मजबूत कैंडिडेट है या नहीं? नहीं, मजबूत कैंडिडेट वो नहीं है, बिल्कुल नहीं मजबूत कैंडिडेट है। अभी क्षेत्र में जब आप जाएंगी सर्वे करने के लिए और एक न्यूट्रल भाव से आप सर्वे करेंगी, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का इनर करेंट जो है खगड़िया लोकसभा में चल रहा है। बिल्कुल ये रिजेक्टेड है, कहीं से एक्सेप्शन नहीं। मुकाबला एक तरफा है जी। कितना सहयोग जनता का इस बार क्या लग रहा है जीत को लेकर, कि कितना सहयोग मिलेगा जी? कितना सहयोग जनता का इस बार सर आपको मिलने? जनता का सहयोग जो इस वक्त जो खगड़िया में जो दिख रहा है उसमें 70% वन साइडेड जी। 70% वन साइड, ठीक है सर। 70% की जहां तक आपने बात की, लेकिन आप देखेंगे कि आज तेजस्वी यादव की भी रैली होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी जी की रैली से मैं बताऊं कि आदरणीय हमारे नेता कैसर चौधरी महबूब अली कैसर जो हमारे एक्स एमपी रहे हैं, तो उनका समर्थन हमें हासिल हुआ। और आपको मैं बताऊं कि दुनिया में बिरले ऐसा एक उदाहरण होता है कि लड़ने वाले कैंडिडेट के साथ जो निवृत्तमान सांसद हैं वो उनके साथ रहे हों। मैं खुशनसीब इंसान हूँ। तो मेरे ड्राइविंग सीट पे लालू जी आदरणीय नेता, मेरे ड्राइविंग सीट पर निवृत्तमान सांसद हमारे हैं, मेरे ड्राइविंग सीट को पूरी मुस्तैदी के साथ चला रहे हैं आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी। और तेजस्वी यादव जी जब हमारे गाड़ी को चला रहे हैं अर्जुन की तरह, तो मैं आपको बताऊं कि गारंटी वाले नेता के रूप में आज पूरे दुनिया में वही प्रतिष्ठापित हुए हैं। क्योंकि 17 महीने के अंदर जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री रहते हुए इसी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 17 साल में 17 नौकरियां नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में रह करके 5 लाख के करीब उन्होंने युवाओं को नौकरी दी। और अभी उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, बहनों को हम ये रक्षाबंधन के मौके पर जो है सो बहनों को हम 1 लाख रुपये हम उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। तो गारंटी इसको बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं कि वो 56 इंच का हम सीना रखते हैं तो देश का बॉर्डर मेरा सुरक्षित है तो हम जो है सो 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। और अमित शाह कहते हैं कि ये तो कहने के लिए जुमले होते हैं। तो गारंटी वो नहीं, गारंटी मतलब जो मैं बोला वो करके दिखाया, तो आगे भी जब बोलेंगे तो उस पर भरोसा। तो उसके चलते हुए पूरे खगड़िया लोकसभा में जब आप जाएंगी तो आपको दिखेगा कि किसी भी जाति मजहब या मैं ये कह रहा हूँ कि अपर सेक्शन के जो युवा हैं जिनका उम्र 20 से 30 बरस के बीच है, उनमें भी एक अलग तरह का जो है संचार है। और वो कह रहे हैं नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी। और जब युवा इस तरह से उन्मादित होता है तो समाज का दिशा और दशा बदलता है, राजनीति का दिशा और दशा बदलता है। सर आश्वस्त तो आप हैं 70-30 का एक मार्जिन के बारे में आप जिक्र करें, लेकिन आप देखेंगे ना एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के राजेश वर्मा जी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में इस चीज़ की कमी दिख रही है, क्योंकि मंच पर सारे नेता एक साथ कभी भी नहीं नजर आ रहे। वो चाहे आप देख लीजिए मुकेश सहनी की बात करें, ठीक है मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दिए हैं कई मंचों पे, कांग्रेस की बात की जाए, सीपीआईएम की बात की जाए, या जो भी महागठबंधन में घटक दल हैं उनके नेता साथ में दिखाई नहीं दे रहे। और वहीं अगर दूसरी ओर एनडीए की बात की जाए तो आप देखेंगे कि तमाम जितने भी बड़े नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व हैं एनडीए के घटक दलों में, तो वो आकर के साथ में मंच में प्रचार प्रसार करें, तो इससे कितना फर्क पड़ने जा रहा है? नहीं, इससे फर्क पड़ने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में जो है सो बिल्कुल विकेंद्रीकरण है, तमाम नेताओं को अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना इलाका है। और बिहार की राजनीति में ड्राइविंग सीट पर आदरणीय नेता तेजस्वी जी हैं, तो तेजस्वी जी इस ड्राइविंग सीट पर बैठ करके पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक का ये डिसीजन है और उसके माध्यम से। और जहाँ तेजस्वी जी महसूस कर रहे हैं तो वहाँ हमारे सन्नौप मल्ला मुकेश सहनी जी जा रहे हैं, एकाध जगह पर सीपीएम के भी लोग आएंगे, एकाध जगह पर कांग्रेस के भी लोग आएंगे, लेकिन इन टोटल में उनके पास में ये। लेकिन एनडीए में क्या है, एनडीए में एक चेहरा है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी हैं तो एनडीए है, मोदी जी हैं तो बीजेपी है, मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये एक हिंदुस्तान के जमहूरियत के अतबार से कहीं से भी सही नहीं है। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि उनके मंच पे सारे लोग रहते हैं, भानुमति का पिटारा है, आप देखिए मंच पे जा करके मोदी जी रहेंगे, वहाँ
नीतीश कुमार जी रहेंगे, नीतीश कुमार जी कोई भाव ही नहीं है, कोई उन्हें प्रणाम नमस्कार भी करने नहीं जाता। आज तो बहुत बेइज्जती उनकी हो रही है, मुझे दर्द होता है, मेरे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को दर्द होता है कि जो नीतीश कुमार जी हमारे 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनका एक प्रतिष्ठा है, आज किस तरीके से बीजेपी वाले उनको बेइज्जत कर रहे हैं। भाई यही चिराग जी उनको 2020 में जो है सो 71 से 41 ले आए, ऐसा होता है, और वो कैसे एक साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आज जो कोर वोट है जदयू का, कोर वोट जो है चिराग पासवान जी का, वो सब के सब खगड़िया लोकसभा में महागठबंधन के साथ है। कोर वोट जो है जदयू का पूरे बिहार में महागठबंधन के साथ है। उन्हें स्मरण है, कोर वोटर्स जो जदयू के हैं उन्हें स्मरण है कि नीतीश कुमार जी को बीमार करने वाले यही चिराग पासवान है। तो इसलिए 2024 के चुनाव में चिराग जी को जदयू के कोर वोटर्स बीमार कर देंगे नीतीश जी के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। ठीक है सर, एनडीए की जहाँ तक आपने बात कही, एनडीए वाले लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है, दूल्हा अब तक तय नहीं हुआ, या इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान? मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान जमहूरियत के आधार पर चलता है, डेमोक्रेसी के आधार पर चलता है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो ये हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं कि मोदी एक चेहरा है प्रधानमंत्री का, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी कहता है कि पहले सांसद चुने जाएंगे और सांसद अपना नेता तय करेगा। इंडिया ब्लॉक चूँकि जनतंत्र पसंद ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक ने कहा कि हम सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो सांसद चुन के आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे। इंडिया ब्लॉक में प्रधानमंत्री के कैपेबल लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ कमी है, इसीलिए डेमोक्रेसी को भी वो जेब में रख करके एक चेहरा को लेके सामने आ रहे हैं, जो जनतंत्र के लिए बहुत खतरा है, वो कहीं से भी सही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जनता के बीच में जा रहे हैं आप, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं? जनता के बीच में जा रहा हूँ तो मैं जनता के, मैंने नब्ज पे हाथ डाला, जनता ने मुझे कहा कि बिल्कुल आप घर के बेटा हैं, आप इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में पले भरे हैं, इसी मिट्टी के समस्याओं को लेकर पिछले 35 साल से आप संघर्ष चला रहे हैं, तो हमारा जो मान सम्मान है उसकी लड़ाई आप लड़िए और इस बात को आप जनता के बीच बोलिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई खगड़िया के मान सम्मान, खगड़िया के इज्जत आबरू का लड़ाई है, खगड़िया के तमाम राजनीतिक नेता चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो कि चुनाव लड़ने का हसरत देखते हैं, सपना देखते हैं, आखिर इस बार सामने एनडीए के जो कैंडिडेट मैदान में आए हैं जिस तरीके से पैरा सोचे वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो उन सब का आशीर्वाद से प्यार मुझे मिल रहा है कि इस पैरासूट वाले को रोकिए, ताकि आने वाले दिन में कोई भी रनिंग राजनीतिक पार्टी ये सोचने को विवश हो कि खगड़िया इतना सचेतन राजनीतिक जिला है, लोकसभा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने का हसरत रखते हैं, तो उन्हें टिकट दिया जाए। कहीं ऐसा इस बार गलती हो गया तो फिर तो कोई पार्टी टिकट देना मुनासिब नहीं समझेगा। बाहर के लोग जो है सो विकास से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो एक ये हमारा है सब्जेक्ट। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है कि आपको मालूम है कि खगड़िया लोकसभा जो है फरकिया के नाम जाना जाता है, फरकिया इसलिए माना जाता है कि राजा टोडरमल जब यहाँ का पैमाइश करा रहे थे तो पैमाइश कराते समय में 7 नदियों का नहर और जंगलों का इलाका नहीं पैमाइश हो पाया, तो उन्होंने इसको फर्क कर दिया का फर्क। और आज भी खगड़िया लोकसभा के आप सिमरी बख्तियारपुर के रिवर बेड के भीतर जाएंगे, आप महसी के इलाके में रिवर बेड के अंदर जाएंगे, सलखुआ के रिवर बेड के अंदर जाएंगे, बिथौन के रिवर बेड के अंदर जाएंगे, खगड़िया से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मथार है, उस रिवर बेड में आप जाएंगे, आप फिर जो है सो आप उत्तर मोरर के तरफ में रिवर बेड के अंदर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये भाई तो हम 17वीं सदी में हैं, कनेक्टिविटी ही नहीं है, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा, सड़कें पुल पुलिया का जाल नहीं बिछेगा, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता उस इलाके के विकास का। एक हमारा प्राथमिकता में ये है। दूसरा है कि सरकार ने घोषणा किया कि हम हर जिला में मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है वो धूल फोंक रहा है, फाइल सरकार के फाइल का धूल फोंक रहा है, ये हमारे एजेंडे में है। 10+2 विद्यालय उन्होंने कई जो है उसको उत्क्रमित किया है, मगर 10+2 के विद्यालय का भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है क्या? नहीं है। तो हमारे एजेंडे में वो भी है। हमारे एजेंडे में स्वास्थ्य का सवाल है। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें 100 बेड है, एक खगड़िया सदर और दूसरा गोगरी रेफरल,
अब 100 बेड में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ है, डॉक्टर्स नहीं है, मामूली सी बीमारी लेके जाए रेफर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। तो ये तो जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब का जिला है, जैसे ही रेफर होता है तो आधा तो मर जाता है बेडे पे, ये हम कैसे जाएंगे। तो वो हमारे एजेंडे में है। और सबसे जो लास्ट हमारे एजेंडे में है वो है हमारे एजेंडे में मक्का, हमारे जिले का, हमारा जो जिला है, हमारा जो लोकसभा है वह एशिया महादेश में सर्वाधिक उपज देता है। और वो कहाँ, उसके ऊपर में फैक्ट्रियाँ कहाँ खुलती है, साउथ में, खगड़िया में नहीं खुलती है। तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार की नीति जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि लोग जिम्मेदार हैं। भाई जनप्रतिनिधि के चाहने से नहीं होगा, लेकिन आवाज़ तो उठनी चाहिए। मैं 2012 से नहीं, वो ठीक है, वो समय की बात होती है, लेकिन हम 2012 से लगातार स्टार्च पर आधारित एथेनॉल कंपनी, स्टार्च पर आधारित जो है दूसरी कंपनी लगाने के लिए हम हड़ताल, भूख हड़ताल किया 2012 में 3 दिन का। और तब से लगातार हम उस सवाल पर संघर्षरत हैं। प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क के नाम पर एक स्टार्च पर आधारित फैक्ट्री खोलने का आश्वासन भी दिया मैं जब भूख हड़ताल पर था। आज वहाँ आप जाइए देखिए, सो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया है, लेकिन उसमें कांटी की फैक्ट्री वहाँ पे जो है सो गोडाउन बन गया मक्का का, इससे तो काम चलेगा नहीं। स्टार्च फैक्ट्री बने वहाँ पे, एथेनॉल की कंपनियाँ खुले, ईख की खेती हो रही है आपको वहाँ पे बड़े पैमाने हसनपुर में। अब उसका चीनी मिल वाले सही समय पैसा नहीं देते, उसका वाजिब दाम नहीं देते। अगर इस तरह का फैक्ट्री खुल जाता है स्टार्च पे आधारित, ईख पे आधारित एथेनॉल कंपनी खुलती है, तो बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी मिलेगी और बड़े पैमाने पर किसानों को अपने फसल का वाजिब दाम मिलेगा। जब युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसानों के जेब में पैसे जाएंगे, तो विकसित खगड़िया के रूप में बहुत तेज़ गति से खगड़िया आगे बढ़ जाएगा। और फिर खगड़िया जो है हमारा एक मतलब डेवलप्ड जिला के रूप में जाना जाएगा। तो इसकी इस संघर्ष को जब जनता का जो स्नेह आशीर्वाद प्यार मुझे मिल रहा है, संसद में हम पहुँचेंगे, तो हमारा जो ये संघर्ष है वो निर्णायक होगा। मेरी सरकार भी बनेगी इंडिया ब्लॉक की, अगर वो सरकार भी आनाकानी करेगी हम उसके खिलाफ भी संघर्ष में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए मुद्दों को लेकर सीपीएम पार्टी जिंदाबाद, संजय कुशवाहा जो हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को उठा रहे हैं साफ तौर से खुद ही बताते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ खगड़िया।